गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या सोनाक्षी? आवाज आ रही है सोनाक्षी? एक बार आवाज खोल के बताना कि आवाज आ रही है आपके पास। तुषार, तुषार आवाज आ रही है? आवाज हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही क्या मेरी? आ यस रही ना। चलो क्लास स्टार्ट करते सर। हैं। यस सर। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? पाचन की संरचना पढ़ रहे थे। और यस सर। पाचन की संरचना में हम क्या पढ़ रहे थे? आहार नाल की संरचना। और आहार नाल कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट था? मुगवा, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये पूरा मैंने करवा दिया था। मतलब कौन आहार नाल का कौन सा अंग कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके इससे पहले वाली क्लास में। अब हमें ये पढ़ना है कि पाचन कैसे होता है। क्या पढ़ना हमें? पाचन कैसे होता है, पाचन की संरचना पढ़नी है। संरचना ध्यान देना। अब एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो एक बार डायग्राम बना देता हूं मैं। ये लो,
ये तैयार हो गया अपना डायग्राम। अब आपको नाम बताना है कौन सी चीज क्या है। बताओ ये क्या है, ऊपरी ऊपरी इसको हम क्या बोलेंगे? मुख। मुख। और ये मुखगुहा। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रसनी। ग्रसनी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रासनाल। ये क्या हो गया? ग्रासनाल। ग्रासनाल अमाशय। अमाशय। और ये क्या चीज है? ये वाला लीवर। अंगनाशय। क्या है ये? अग्नाशय। ये अग्नाशय है। और ये क्या है? यकृत। यकृत। ये यकृत। यकृत। ये कौन सी आंत है? ये बड़ी वाली कौन सी आंत है? ये वाली बड़ी आंत। बड़ी आंत। ये यहाँ से लेकर जो अंदर आके ऐसे फोल्ड हो रही है, ये कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत। अब आप मुझे ये बताओ छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? तीन होते हैं सर। कौन कौन से? तीन। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? देखो, एक तो ग्रहणी, एक अग्र शुद्रांतर और एक शुद्रांतर। वैसे कितने भाग होते हैं बड़ी आंत के? तीन भाग होते हैं, कोलार, मलाशय। तीन होते हैं, अंदनाल, बृहदांतर और मलाशय। तो अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर छोटी आंत के तीनों भागों को शो करना है और बड़ी आंत के तीनों भागों को भी क्या करना है? शो करना है। तो देखो, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट है, यहाँ से ये जो सी आकार की दिख रही ना आपको, यहाँ से आके पीछे से निकल कर ऐसे फोल्ड होके यहाँ पर आकर यहाँ तक, ये छोटी आंत है। ये कौन सी आंत है? छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत। जैसे मैं छोटी आंत का अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार यहाँ से निकाल कर मैं छोटी आंत का अलग से डायग्राम बनाऊ तो ऐसे बनेगा। ऐसे। अब देखो इस डायग्राम को और इसको शो करो आप एक बार। ये जो आपको दिख रहा है ना सी आकार का, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सी आकार का, ये छोटी आंत का कौन सा भाग है? ग्रहणी वाला। छोटी आंत का कौन सा भाग हुआ? ये ग्रहणी वाला। फिर मैंने कहा था इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो इधर वाला भाग तो कौन सा हो गया? बाया। और इधर वाला भाग कौन सा हो गया? दाया। बाया भाग है ना इधर वाला। हालांकि एक ये छोटी आंत आ तो एक ही रही है ऐसे मुड़ मुड़ के, लेकिन छोटी आंत का जो इधर वाला भाग है, इधर वाला ये वाला पार्ट जो बाई तरफ है, छोटी आंत ऐसे मुड़ रही ना ऐसे, तो देखो छोटी आंत तो ऐसे बाई तरफ भी मुड़ रही है, दाई तरफ भी मुड़ रही है, बाई तरफ भी मुड़ रही है, दाई तरफ भी मुड़ रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ छोटी आंत का कौन सा भाग जो बाई तरफ मुड़ रही है। तो बाई तरफ मुड़ रही है उसका नाम क्या है? अग्र शुद्रांतर। और जो राइट साइड में मुड़ रही है उसका नाम शुद्रांतर। शुद्रांतर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आकर यहाँ पर छोटी आंत किसमें खुल गई? छोटी आंत किसमें खुल रही है? बड़ी आंत। बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत का पहला भाग है ये वाला, ये जो फूला हुआ दिख रहा ना आपको, ऐसे फूला हुआ सा पोर्शन है थोड़ा सा, ये बड़ी आंत का पहला भाग है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है अंधनाल। क्या नाम है इसका? अंधनाल। देखो अंधनाल। हाँ, अंधनाल से ऊपर की तरफ देखो आप, यहाँ से ऊपर की तरफ बड़ी आंत जा रही है जो छोटी आंत के चारों तरफ है। अंधनाल से ऊपर की तरफ बड़ी आंत जा रही है ना, ये देखो ये बड़ी आंत जा रही है यहाँ से जाकर, यहाँ से जाकर यहाँ तक आकर यहाँ तक, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है नंबर दो वाला, जिसको बोला जाता है बृहदांतर, जो छोटी आंत के चारों तरफ है। और इस सेकंड इसका क्या, इस देखो यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन यहाँ तक, ये पूरा भाग, इसको बोलते हैं बृहदांतर। बृहदांतर। क्या नाम है इसका? बृहदांतर। ये सबसे लास्ट वाला भाग है, ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला भाग है ऐसे, ये वाला दिख रहा ना आपको, ये वाला मलाशय।
हाँ मलाशय, ये कौन सा पार्ट है? मलाशय। और ध्यान रखना आहारनाल में सबसे नीचे की तरफ एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा होल होता है जिसमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, गंदे पदार्थ। और इस छिद्र को, इस होल को क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। गुदा द्वार का मतलब तो होता है रास्ता, गुदा द्वार सबसे लास्ट वाला जो होल है, ठीक है, जहां से अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है, इसे बोला जाता है गुदा द्वार। ये यकृत है, ये अग्नाशय है, बाकी सारा समझ में आ गया। अब बताओ आहारनाल के जितने भी भाग है ना, आहारनाल के कौन कौन से भाग में पाचन होता है बताओ। देखिए आहारनाल मुख गुहा, मुख गुहा, अमाशय, और छोटी आंत। ये अपने दिमाग में डालो, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन होता है ओनली छोटी आंत में, ओनली छोटी आंत के अंदर। तो ध्यान रखना सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन मुख गुहा में, फिर हम पढ़ेंगे पाचन आमाशय में, फिर हम पढ़ेंगे पाचन बोलो छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो तीन जगह पाचन होता है और वो है पाचन की क्रियाविधि। हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन की क्रियाविधि। और क्रियाविधि का मतलब ये है कि पाचन कैसे होता है, जो हम खा रहे हैं ना उससे ऊर्जा कैसे निकलती है, ठीक है, ये है पाचन की क्रियाविधि। अब ध्यान देना सबसे पहले पाचन कहां पर होगा? एक नंबर पर मैं डाल देता हूं मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मुख गुहा में पाचन, यहां पर देखो मुख गुहा में पाचन। और पाचन बताओ कितनी चीजों का होगा? ये मैंने पहले ही दिन बता दिया था जब ये वाला चैप्टर चालू किया था। पाचन, पाचन किस किस का होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका ही पाचन होता है। देखो भोजन में तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, वसा भी खाते हैं, विटामिन भी खाते हैं, खनिज लवण भी खाते हैं, रुक्षांश भी खाते हैं, पानी भी पिया जाता है, लेकिन इन सबका पाचन नहीं होता। पाचन ओनली तीन ही चीजों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। प्रोटीन, वसा, और तीनों का पाचन अलग अलग जगह होता है। देखो सुनो, पहले मैं आपको कंफर्म करवा दूं, तीनों का पाचन अलग अलग जगह पर होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग जगह होगा, प्रोटीन का अलग जगह पर होगा, और वसा का पाचन अलग जगह होगा। तो देखो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दो जगह, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितनी जगह? दो जगह। प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन भी कितनी जगह होता है? दो जगह। लेकिन वसा का पाचन ओनली एक ही जगह, एक जगह ही होता है। एक तो ये ध्यान रखोगे, और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है कहाँ पर? छोटी आंत में। भोजन का पूरा टोटल कंप्लीटली जो डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ पर हो जाता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। देखो अब ध्यान देना, एक तो है मुख गुहा, जो जो ये मैं बना रहा हूं ना, इस पर ध्यान देना, इसमें बहुत सारी चीजें कंफर्म होगी। मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत। अब ध्यान देना मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमें किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। दिखाई तो दे रहा ना? दिखाई। यस यस सर। एक बार चेक करा देंगे अभी। बताओ बेटा अभी ज्यादा अच्छा दिख रहा है या पहले? सर अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी? यस सर अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। क्या अभी? चलो देखो आमाशय में किसका पाचन होता है? आमाशय में पाचन होता है किसका? प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन का। और छोटी आंत में किसका पाचन होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। देखो कैसे, सुनो सुनो, तीनों का होगा, यहाँ पर प्रोटीन का भी होगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी होगा, यहाँ पर वसा का भी, वसा भी। क्योंकि ध्यान रखना मुख गुहा में, मुख गुहा में पूरे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता,
मुख गुहा में ओनली 40% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में ओनली कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है? 40%। तो बताओ अभी भी 60% कार्बोहाइड्रेट बच रहा है ना? वो जो 60% कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60% किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। 60% कार्बोहाइड्रेट, 40% यहाँ पर, 60% यहाँ पर। बताओ कार्बोहाइड्रेट का 100% पाचन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया। ठीक है, हो गया। आमाशय में प्रोटीन का पाचन कितना होता है? 50%। कितना होता है? 50%। कितने प्रतिशत प्रोटीन बचा? 50। और वो 50% प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम हो गया, प्रोटीन का काम हो गया, कौन बचा? वसा। और ध्यान रखना वसा का 100% पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। वसा का पाचन एक ही जगह पर होता है और एक ही साथ होता है, ऐसे अलग अलग जगह नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? मुख गुहा में और छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में और छोटी आंत में। और छोटी आंत में। और वसा का पाचन एक ही जगह पर कहाँ पर? ओनली छोटी आंत में। चलो ये चीज तो आपके दिमाग में फिट हो गई। अब हमें ये देखना है कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, फिर हमें ये देखना है कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में कैसे होता है, फिर हमें ये देखना है कि 60% कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में कैसे होता है, 50% प्रोटीन का पाचन कैसे होता है और 100% वसा का पाचन कैसे होता है। यानी कि ये तो मैंने सीधे तुम्हें बताया कि ऐसे ऐसे पाचन होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि पाचन कैसे होता है। ये तो मैंने ऐसे बताया कि पाचन ऐसे होता है, अब बताऊंगा पाचन कैसे हो रहा है, वो आपको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाल दी? मुख गुहा में पाचन। और आपको पता ही है, लिखना हो तब आप बता देना। क्या सर? हमें लिखना हो तब आप बता देना। ठीक है, आपको पता है मुख गुहा में पाचन किसका होगा? बताओ। कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का कितने प्रतिशत? 40%। 40%। अच्छा ठीक है, मेरा पहले बताया हुआ है। अब बताओ मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होगा? कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाएगा? ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, माल्टोज में। किसमें चेंज हो जाएगा? माल्टोज में। और बताओ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह के अंदर कौन करता है? देखो पाचन करने का काम होता है एंजाइम का, और मुंह में एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं? मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है? लाला रस। और लाला रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो ही एंजाइम पाचन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है किसके अंदर? माल्टोज। किसमें चेंज हो जाता है? माल्टोज के अंदर। अब अच्छा सुनो एक बार, इस चीज को पहले तो आपने बताया था ग्लूकोज में। नहीं बेटा, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज अपने दिमाग में फिट करनी है। देखो कैसे, सुनना ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। बताओ प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? एमिनो अम्लों में। किसमें होता है? एमिनो अम्लों के अंदर। और वसा का पाचन किसमें होता है? वसीय अम्लों के अंदर। किसमें होता है? वसीय अम्लों के अंदर। ये चीज याद रखोगे आप, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों का पाचन होगा, और ये तीनों के तीनों भोजन का जटिल रूप है। ये भोजन का कैसा रूप है? जटिल। और इनको किस में चेंज करना है? सरल में। सरल। इसे ही तो क्या बोलते हैं? पाचन। भोजन के जटिल टुकड़ों को सरल में बदलना,
या भोजन के जटिल अवयवों को सरल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज किया जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किसमें चेंज किया जाता है? एमिनो अम्लों में। वसा को किसमें चेंज किया जाता है? वसी अम्लों में। बताओ ये चेंज करने का काम किसका है? ये चेंज कौन करता है? माइल्टोज एंजाइम। कौन चेंज करते हैं? एंजाइम। मैंने पहले बताया था हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और वो चेंज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर एंजाइम अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह के अंदर होता है तो मुंह वाला एंजाइम अलग होता है, पेट वाला एंजाइम अलग होता है, छोटी आंत वाला एंजाइम अलग होता है। हर जगह का एंजाइम अलग अलग है। बाकी ये आप ध्यान रखोगे कि भोजन के जटिल अवयवों को सरल में बदलने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम। अब आप सोचो ये कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो रहा है? माल्टोज में। फिर आप कह रहे हो कि सर कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, तो ये पाचन हम किसमें पढ़ रहे हैं? मुख गुहा में। किसमें पढ़ रहे हैं? मुख गुहा में। और मुख गुहा में, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना होता है? ओनली 40%। देखो कैसे, पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा किसमें? माल्टोज में। और फिर माल्टोज किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। लेकिन वो काम कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। वो काम कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम मुख गुहा में पढ़ रहे हैं। देखो ऐसे, पहले कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होता है? माल्टोज में। और फिर माल्टोज किसमें चेंज होगा? ग्लूकोज में। माल्टोज किसमें चेंज होगा? ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन, प्रोटीन किसमें चेंज होगी? पहले पेप्टाइड में। पेप्टाइड। और फिर पेप्टाइड किसमें चेंज होता है? एमिनो अम्लों में। लेकिन वसा का पाचन तो एक ही बार होता है। अब यहां से आप नोटिस करो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोज में हो रहा है, बताओ कौन सी जगह पर ये पाचन हो रहा है? मुख गुहा में। शाबाश। और जब माल्टोज को ग्लूकोज में बदला जाता है तो ये पाचन कौन सी जगह पर हो रहा है? छोटी आंत। वेरी गुड। छोटी आंत में। छोटी आंत में ये 40% और ये 60%। अब मुझे बताओ प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज किया जा रहा है। अब आप कंफ्यूज मत होना सर, ये पेप्टाइड क्या है? ये भी प्रोटीन ही है, लेकिन ये जटिल है और ये कैसी है? सरल है। ये सबसे सरल है। तो बताओ प्रोटीन को पेप्टाइड में कहां पर चेंज किया जा रहा है? कौन सी जगह पर? छोटी आंत में। आमाशय। आमाशय। पहले आमाशय में होगा ना पाचन 50%। यस सर। पहले आमाशय में होगा 50%। और अब पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में कहां पर चेंज किया जा रहा है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। और वसा का पाचन तो एक ही जगह पर होता है, वसा को वसी अम्लों में कहां पर बदला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। बताओ ये चीज समझ में आ गई ना? ठीक है, अब ये पहले इस चीज को समझना, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदला जा रहा है। ये वाला कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज किया जा रहा है? माल्टोज के अंदर। और बताओ चेंज कौन कर रहा है? लाला रस। चेंज कौन कर रहा है? लाला रस। और ये काम कहां पर हो रहा है? मुख गुहा में। और कितने प्रतिशत हो रहा है? 40%। अब बताओ इस छोटे से डिब्बे के अंदर सारी बातें आ गई। आप कह सकते हो सर मुख गुहा में लाला रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज किया जाता है, वो भी 40%। वापस बोल रहा हूँ, मुख गुहा में लाला रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया जाता है किसमें? माल्टोज में। वो भी कितने प्रतिशत? 40%। हो गया काम? हो गया ना काम? अब ध्यान रखना थोड़ा सा, देखो मुख गुहा में भोजन का प्रकार कैसा हो जाता है? भोजन का प्रकार, मुख गुहा में भोजन, आपने आपने मान लो जब आपने खाना खाना स्टार्ट किया था तो प्लेट में खाना कुछ और था, मुंह में खाना कुछ और हो गया। प्लेट में तो गुलाब जामुन रखा हुआ है, आपने उठा के चबा लिया, क्या वो अभी भी गुलाब जामुन है क्या? या वो वैसा ही गोल गोल है? चेंज हो गया ना मुंह के अंदर, क्योंकि उस खाद्य पदार्थ में, उस भोजन में क्या मिक्स हो जाती है? लार। क्या मिक्स हो जाती है? लार मिक्स हो जाती है। तो मुख गुहा में भोजन का प्रकार कैसा हो जाता है? बोलस। कैसा हो जाता है? बोलस।
लस लसा बोलते हैं उसको, ऐसे लस लसा सा हो जाता ना, चिकना चिकना सा, लस लसा सा। तो ये आप ध्यान रखोगे, मुख गुहा में भोजन का प्रकार कैसा होता है? बोलस। मुख गुहा में भोजन का प्रकार कैसा होता है? बोलस। और बोलस का मतलब कैसा होता है? लस लसा, लस लसा। ठीक है, अब नंबर दो पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। किसको? मुख गुहा में तो पढ़ लिया ना, अब किस में पढ़ोगे? भोजन का पाचन आमाशय में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आमाशय में भोजन का पाचन, आमाशय में भोजन का पाचन। वो तो आपको पता है कि आमाशय में कौन से भोजन का पाचन होने वाला है? प्रोटीन। और बताओ आमाशय में प्रोटीन को किस में बदला जाएगा? आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में। वेरी गुड, किस में बदला जाएगा? पेप्टाइड के। ठीक है, देखो ये रहा प्रोटीन, प्रोटीन को किस में चेंज किया जाएगा? पेप्टाइड। पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड भी बोल सकते हो, या पेप्टाइड की जगह एक और नाम आप यूज कर सकते हो, पेप्टोज। पेप्टाइड या फिर पेप्टोज, पेप्टाइड या पेप्टोज, पेप्टाइड या पेप्टोज। अब ध्यान रखना, यहां तो समझ में आ रहा था कि सर कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में लाला रस बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन चेंज करता है? लाला रस। यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन चेंज करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला कौन है? तो एंजाइम करेगा ये काम। कौन करेगा? एंजाइम। अब याद करो जब हमने पढ़ा था, मैंने जठर रस पढ़ाया था ना तुम्हें आमाशय में, जठर रस में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? HCl अम्ल बताया था ना, श्लेष्मा रस बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. और वहां पर एक एंजाइम बताया था ना, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। Yes, sir, पेप्सिनोजन एंजाइम। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदल रहा था? याद करो, देखे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किसने बदला था? HCl ने। वेरी गुड, HCl। तो ध्यान रखना वो जो पेप्सिन है ना, मैंने कहा था उस वक्त कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो वो पेप्सिन काम आएगा यहाँ पे, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। समझ गए? अब आप कह सकते हो कि सर पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, और ये पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ये पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस में। किस में पाया जाता है? जठर रस में। वैसे ध्यान रखना इस लाला रस में भी एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। लाला रस नहीं बदलता है, लाला रस में पाए जाने वाला एंजाइम बदलता है। मैंने उसका नाम नहीं बताया, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी क्लास छोटी है ना अभी तक, बड़ी क्लास में आओगे ना टेंथ में तब पढ़ोगे आप। ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, फिर अगर आपको याद रहे तो रख सकते हो। लाला रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। यहां लिख देता हूं एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम है जो किस में पाया जाता है? लाला रस में। अगर आपको एमाइलेज याद नहीं रहता है तो लाला रस लिख देना, काम चल जाएगा। यहां पर अगर आपको पेप्सिन एंजाइम याद नहीं रहता है तो आप क्या लिख सकते हो? बोलो, जठर रस। जठर रस। तो ध्यान रखना जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, और पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? प्रोटीन को चेंज करता है किसमें? पेप्टाइड के अंदर। प्रोटीन को चेंज करेगा पेप्टाइड के अंदर। बताओ कितने प्रतिशत? 50%। 50%। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना क्या, कि मुख गुहा में भोजन का प्रकार कैसा होता है? बोलस। मतलब बाहर थाली या प्लेट में खाना कुछ और था, मुंह के अंदर कुछ और गया। अब आप सोचो जब वो खाना मुंह से नीचे उतर कर आमाशय में आएगा तो क्या बोलस रहेगा? क्या वो और भी ज्यादा चेंज हो चुका है? वो और भी ज्यादा क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। हमने तो ठोस खाना खाया था, हमने ठोस खाना खाया था, लेकिन पेट में जाकर वो खाना कैसा हो चुका है? द्रव हो गया, पानी की तरह पतला पतला हो गया। और उस पानी जैसे द्रव भोज्य पदार्थ को, पतले भोज्य पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो भोजन का प्रकार आमाशय में क्या हो जाएगा? काइल। क्या हो जाएगा? काइल।
तो यहां पर भोजन का प्रकार, भोजन का प्रकार हो जाएगा काइल, काइल काइल। अब ध्यान रखना, जब जब खाना मुंह के अंदर था, जब खाना मुंह के अंदर था तब कैसा था? लसलसा। जब कैसा था? लसलसा, मतलब लसलसे का मतलब है थोड़ा ठोस थोड़ा द्रव, ऐसे उस गीला गीला सा हो गया क्योंकि उसके अंदर क्या मिल गई थी? लार। अब आप सोचो, जैसे ही खाना यहाँ से गर्सनी ग्रास नाल से उतर कर आमाशय में आएगा तो आमाशय में भोजन कैसा हो जाता है? पानी के जैसे पतला, और उस पानी जैसे पतले भोजन को क्या बोला जाता है? काइल। क्या बोला जाता है? काइल, काइल। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में कोई सा भी पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन में तुमसे पूछूं, बताओ मुख्य गुहा में भोजन का प्रकार कैसा होता है? बोलस लसलसा। बोलस लसलसा। आमाशय में भोजन का प्रकार कैसा होता है? काइल। काइल, काइल होता है। आमाशय में भोजन का प्रकार कैसा होता है? काइल। काइल का मतलब, काइल का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, भोजन का पेस्ट बन गया, जैसे कोलगेट आती है ना, कोलगेट वैसा भोजन बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। अब आप सोचो, जब भोजन छोटी आंत में जाएगा फिर और भी चेंज हो जाएगा, हर बार भोजन का प्रकार चेंज हो रहा है, हर बार भोजन का टाइप चेंज हो रहा है। मुंह के अंदर भोजन कुछ और था, आमाशय में भोजन कुछ और था, छोटी आंत में भोजन कुछ और हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सुनो, एक काम करो, पहले तो आप इसको उतारो ऐसे कैसे, फिर आप इसको उतारो और हेडिंग क्या डालोगे? पाचन की क्रियाविधि। सुन लो पहले कैसे उतारोगे, मेरी तरफ देखो, सबसे लिखो पाचन की क्रियाविधि, फिर ये वाला उतारोगे, फिर ये वाला उतारोगे, और फिर आप हेडिंग डाल के स्टार्ट करोगे एक नंबर पर, मुख गुहा में पाचन ये वाला, फिर आमाशय में पाचन ये वाला। जल्दी से करो, उतार रहे हो ना? ये सर उतार रहे हैं। उतारो बेटा, उतारो। अपनी आवाज, अनुष्का आवाज बंद करो। सर ये किसके बाद में उतारना है? क्या पहले क्या उतारना? पहले पहले ये और फिर ये वाला, ये दिख रहा है ना, इसे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, फिर ग्लूकोज में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, फिर एमिनो अम्लों में, वसा को वसी अम्लों में, फिर इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, ये डायग्राम आप चाहो तो उतार लेना, ये तो मैं बार बार बनाऊंगा तो बाद में उतार लेना। फिर ये और फिर ये, मुख्य गुहा में पाचन, फिर ये वाला 40% भोजन का प्रकार बोलस, फिर दो नंबर पर डाल के आमाशय में भोजन का पाचन, फिर ये और फिर भोजन का प्रकार। करो जल्दी, 7 मिनट ये तुम्हारे पास में, 7 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, इसलिए उतालो फटाफट।
जल्दी करो, उतार लिए क्या? नो सर। उतारो बेटा, 5 मिनट ही है। चलो यही उतार पाओगे आज, उतार लो आप, उतार लो आराम से। उतार लिए बेटा? सर उतार ली। अनुष्का? यस सर उतार लिया। उतार लिए। आपने बताया तो नहीं। तुषार उतार लिया? सर उतार लिया। यस सर उतार लिए। अभी तो क्लास का टाइम ऑफ हो गया, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमें क्या पढ़ना है? एक तुमने क्या पढ़ा, मुख गुहा में भोजन का पाचन, दूसरा आमाशय में भोजन का पाचन, अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में भोजन का पाचन। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी ना, इससे आगे नेक्स्ट क्लास मतलब परसों, उसमें मैं ये चैप्टर पूरा कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।